हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक नान्या का ये हमारे पास ई रिक्शे का मीटर आया हुआ है और इसको यहां से अंदर से खोल के वायरिंग चेंज करना है, और साथ ही साथ रिक्शे में भी इसका कनेक्शन करके आप लोगों को पूरा चालू करके दिखाएंगे और प्रॉपरली एग्जैक्ट बिल्कुल तरीके से आप लोगों को इसका समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो इसको हम देखिए, खोलने का तरीका तो ऑलरेडी मैंने शायद इसका ये मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ई रिक्शे का मीटर कैसे बैक करें तो वो वाली उस वीडियो पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो खोलने का तरीका वहाँ पे बता दिया गया है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, नीचे ये शीशा जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, इसको संभाल के रखना होगा। और उसके बाद देखिए, नीचे कपड़ा रख के फिर धीरे धीरे इसको पेचकस की किनारी से खोला जाएगा। ये मोहित जी हमारे खोल के दिखाएंगे, खोल के दिखाइए। देखिए, यह बहुत बारीकी से और बहुत शानदार तरीके से खोल रहे हैं। कितने दिन हो गए जी आपको? 18 दिन 18 दिन हो गए हैं। जी धीरे धीरे इसको खोलिए। नहीं, किनारी खुल नहीं रही है, थोड़ा मजबूत सा लग रहा है, ये ओरिजिनल टाइप में है। खोल लीजिए धीरे धीरे, ठीक है? देखिए, यहाँ पर एक कपड़ा इसलिए रखा हुआ ताकि ये टूटे नहीं, ठीक है? तो इसको हम लॉक को सीधा करके फिर आगे की तरफ, और देखिए ये कैसे घसका रहे हैं, जैसे लग रहा है इनका रिक्शे के साथ जन्मों का नाता है। क्यों जी, ऐसा ही है कुछ है? हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये कर रहे हैं, इसको निकाल कर और फिर आगे की तरफ आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखा रहे हैं। पहले निकाल लेते हैं। मोहित जी ने इसको शानदार एक सिक्स के साथ इसको क्या कर दिया है, निकाल दिया है। और इसको निकालिए जी, देखिए आराम से इन्होंने निकाल, देखिए शीशा टूटा तो नहीं है जी? तोड़ दिए हैं? नहीं सर, नहीं टूटा है। चलिए अब आगे क्या करेंगे? आगे इसको निकालेंगे। हाँ, आगे सबसे पहले इस प्लेट को निकालना है। देखिए ये प्लेट जो लगा है, देखिए इसको हम ऐसे निकाल लेंगे, और इसको बाद ये दोनों पीछे का मीटर की लाइट है जो पीछे पेच लगा हुआ है, इसको खोलिएगा। देखिए खोलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है या आपको एनपीएफसी वगैरह का काम सीखना है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है और रहना खाना कंप्लीट, 20,000 रुपये फीस है। ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है, ठीक है? अगर आपको यूटीएल चार्जर का ये डिस्प्ले चाहिए तो ये सब मेरे पास अवेलेबल है, आप लोग मंगा सकते हैं, ठीक है? और इसका आप थोड़ा हवा मार लीजिए, इसको देखिए हवा मार के थोड़ा सा इस पे तार वायर चेंज करिए। तो यहाँ देखिए ये मीटर पूरा फाइनली हम लोगों ने खोल लिया है, और ये देखिए इसको खोलने के बाद हमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है। ये देखिए ये दोनों तारे यहाँ से हम निकाल कर और मजबूती से दूसरा सोल्डिंग करेंगे, ठीक है? देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने निकाल लिया है, और निकालने वे पेस दीजिए। निकालने के बाद इसको हमें क्या करना है, अच्छे से सोल्ड करना है ताकि यहाँ पे बिल्कुल हमारा, उनको बोल दीजिए उधर जाकर बात करें, इसको निकाल लेना है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 पिन बने हुए हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 पिनें बनी हुई हैं, ये दोनों पिनों का आप लोगों को क्या करना है, यहीं पे आपको डायरेक्टली 48 वोल्ट का वायर सोल्ड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम दोनों वायरों को अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेंगे, और सोल्ड करके फिर आप लोगों को दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, और यहाँ पर काउंटर पे आप लोग कैसे चेक करेंगे वो भी मैं यहाँ पर, जो बैटरी का सेटअप है उसको हम चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को, और रिक्शे में फिट करने का तरीका बताएंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पर इस पिन पे इसको सोल्ड कर लेंगे, ये सोल्ड हो गया हमारा। इसको सोल्ड हम देखिए खींच के देख लेंगे अच्छे से ताकि ये टूटे ना। और ये तार देखिए होता तो टाँका ही लगाना होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट होता है इसका शीशा खोलने में होता है। तो अगर शीशा आपका प्रॉपर तरीके से नहीं खुला तो टूटने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा, और फिर हो जाएगा आपका आन मिलो सजना वाला कहानी हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को फोकस करके काम करना है, और इसको सोल्ड करने के बाद एक बार मैं चालू करके दिखाता हूँ ये चल रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मोहित जी इसको फिट करेंगे रिक्शे में और पूरा कनेक्शन समझाएंगे आप लोगों को। देखिए
इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खराब होने वाला आइटम नहीं है। आप उल्टा सीधा पलट के दोनों तारे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक तार लगाता हूँ, देखिए जल गया, देखिए जल गया ना जी, दिखाइए, उठा के दिखाइए वीडियो में, देखिए जल गया। इसको अगर उल्टा भी लगा देंगे तो ये खराब नहीं होगा, देखिए खराब नहीं होगा। इसमें आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। कई बार फ्रेंड्स आप लोग डर जाएंगे कि उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है, तो इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल इजीली तरीके से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इसको इसमें फिट करके फिर आगे की प्रोसेस समझाते हैं। तो देखिए ये फाइनली पूरा मॉनिटर हमारा जो है कंप्लीट हो गया है और ये तार लगा के निकाल लिए हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती। अब इसको चेक करिए जी, MCB ऑन करिए, चेक करिए, देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए नहीं चला, अब तार प्लट के लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा मीटर बिल्कुल फाइनली बिल्कुल ओके चलने लग गया, ठीक है। अब इसको रिक्शे के अंदर कस के और इसकी वायरिंग के बारे में पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे क्या वायरिंग आप लोगों को सेट करना है। चलिए चलते हैं। तो ये देखिए हमारा ये रिक्शा लगा हुआ है यहाँ पर, और ये मीटर हमने ऐसे खोल रखा था ऊपर से। अब इसके लिए कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हेडलाइट खोलेंगे। ये यहाँ पर देखिए हेडलाइट खोलने के लिए दो पेच लगा होता है, एक इधर पेच लगा है और एक हमारा इधर लगा है, ठीक है जी। ये देखिए ये दोनों पेच खोल रहे हैं, तौफीक जी खोलिए। और यहाँ पर इसको हम आराम से इजी तरीके से इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो यहाँ से वायर अंदर से टूट जाएगा और आपकी नैया डूब जाएगी, समझ लीजिए। इसको कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चाबी वाले स्विच के पास जाना है और देखना है चाबी वाला स्विच कहाँ है। तो देखिए ये चाबी वाला स्विच हमारा ये वायर है, और एक देखिए ये हमारा ग्राउंड यहाँ पे देखिए निकला हुआ है, काला तार है, और चाबी वाले स्विच से जो है ये येलो वाले तार में जोड़ेंगे, अगर इनके चाबी वाला स्विच ठीक हुआ तो। चेक करते हैं, देखिए ये चाबी वाला स्विच ठीक है। पहले मीटर लाइए जी, मीटर लाइए, मल्टीमीटर लाइए, पहले चेक कराएं वोल्टेज। देखिए ये हमारा चाबी वाला स्विच जो है, ये देखिए आप लोग मीटर के अंदर देखिए ये हिल रहा है यहाँ पर, ये दो वायर गए हुए हैं, ये सॉकेट है हमारा इसका चाबी वाले का, देखिए इसमें दो वायर लगे हुए हैं, देखिए इसमें दो वायर होते हैं, एक वायर होता है हमारा रेड कलर का, एक होता है ऑरेंज कलर का। तो इसमें से रेड वाला जो होता है डायरेक्ट सप्लाई आएगी 48 वोल्ट, ऑरेंज वाला चाबी वाले स्विच के था, तो इसमें ऑरेंज वाले में जोड़ना है और हमारा एक ग्राउंड में जोड़ना है। चेक करिए सर्वे जी, लगाइए जरा वोल्टेज, चेक कराइए सबको। हाँ लाइए मीटर, मैं पकड़ लेता हूँ। किस किस में चेक करेंगे पहले जी सर? इसमें हाँ, अरे तो इधर से उधर से थोड़ा, हाँ उस हाथ से, हाँ ऐसा पकड़िए। चलिए चलिए चेक करिए। आप इसको दूसरे को किस में चेक करेंगे? चलिए चेक करिए, ऑरेंज वाले में नहीं चेक करेंगे, रेड वाले में चेक करेंगे। देखिए रेड वाले में 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, देखिए 50 वोल्ट के समथिंग आ रहा है। ऑरेंज वाले में नहीं आएगा, जब वो चाबी वाला मीटर स्विच ऑन होगा तब आएगा। तो यहाँ पर ही हमारा मीटर पूरा कम्प्लीट हो रहा है, और इसका कनेक्शन करने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए टाइट करिए इसको नीचे से, ये नीचे दो पेचे टाइट करनी होती है, इसको लगा के टाइट करते हैं, ठीक है। और ये हमारे जाबाज सिपाही लगे हुए हैं, सिर बार बार इनका जाबाज सिपाही का बीच में आ रहा है, थोड़ा सिर नीचे करके रखिए। और इस वाले को कसिए कसिए, हाथ लग गया, इस वाले को प्लास से कस टाइट कर देंगे, ठीक है। प्लास से टाइट आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से सॉकेट, ताकि टूटे ना, निकाल आगे आइए। किस किस में जोड़ेंगे मोहित जी इसको, कनेक्शन बताइए। ये देखिए ये दो हमारे पास कनेक्शन है, एक हमारा काला है और एक लाल है। पहले इसको डायरेक्ट से चालू करेंगे, काले वाले को जोड़िए एक में, हाँ एक को जोड़ के देखिए डायरेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले बस ऐसे फंसा के टच करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें उल्टा सीधा भी तार को करना पड़ सकता है। लाल वाले में लगाइए, तो देखिए यहाँ पे लाल वाले में लगाने के बाद मीटर नहीं चला, तो अब ये तार को एक दूसरे से पलटेंगे। ये तार को एक दूसरे से इन्होंने चेंज किया है, और फिर लाल वाले में चेक करेंगे कि ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ सही से लगाइए, नहीं नहीं चाबी से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट चेक कर रहे हैं।
तो यहाँ तो देखिए एक तार हमने इसका जो है मीटर का ये ऑरेंज वाले में जोड़ दिया हमने, यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑरेंज वाले में जोड़ दिया है, ठीक है। ये हमारा पीछे से सप्लाई नहीं मिल रहा था तो इसमें हमने डायरेक्ट तार डाल दिया हुआ है, और एक तार जो मीटर का है वो मूठे के ग्राउंड के साथ दे दिया गया है, इसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मीटर का लोड इतना होता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो देखिए ये फाइनली हमारा पूरा मीटर चालू हो रहा है देखिए, ठीक है। तो आई होप ये कनेक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। डायरेक्टली जो ये लाल वाला है ये आपको डायरेक्टली 48 वोल्ट मिलेगा, और ऑरेंज वाले में ये चाबी ऑन करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड की प्रॉब्लम थी, इनकी वायरिंग बिल्कुल खस्ती हुई है तो हमने इसको चालू कर दिया है। बाकी अगर ये आगे किसी को दिखाएंगे अगर वायरिंग वगैरह काम कराएंगे तो आगे का बात आगे है, लेकिन फिलहाल अभी हमने मीटर का काम इसका कंप्लीट कर दिया है। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।